أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم पाक है वो ज़ात अल्लाह जो ज़िंदा और जावेद है, जो सारी कायनात को पैदा करने वाला है, उसे ना नींद आती है और ना ही ऊँघ। जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसी का है, बेशक वही सब हाज़र और गायब को जानने वाला है। उसकी कुर्सी इल्म व इक्तदार आसमान और ज़मीन को घेरे हुए है। दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद नदीम कैसर और आप इस वक्त मौजूद हैं नदीम कैसर यूट्यूब चैनल पर। हाज़र हूँ एक नए मालूमाती मज़मून के साथ। मेरा आज का मौजू है जायचे में शादी के अहकामात। पदाइशी जायचे या वक्ती जायचे में सातवां घर निकाह, शादी और मोहब्बत वगैरह से मनसूब है, और आज जायचे के सातवें घर के मख्फी राजों से पर्दा उठाया जाएगा इंशाअल्लाह। ये इल्मे नजूम के हवाले से एक इल्मी इस्तवा है। बेशक खुदा ताला की ज़ात ही तमाम हाजर और गायब के हालात को जानने वाली है। अल्लाह ताला मेरे और आपके इल्म में बेपनाह इजाफा करे, आमीन। अगर साइल का पदाइशी जायचा मौजूद हो तो वक्ती जायचा तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर पदाइशी जायचा मौजूद ना हो तो वक्ती जायचा तैयार करें। इसके बाद जायचे के सातवें घर को देखें। अगर जायचे के सातवें घर में सितारा शम्मस मौजूद हो तो शादी तो जरूर होती है, लेकिन साइल की बिनाई में नुक्कस होता है, या जिस लड़की से निकाह हो इस लड़की की बाईं आंख में नुक्कस हो, या निकाह के कुछ अरसे बाद ये नुक्कस वाक्या हो जाता है। अगर जायचे के सातवें घर में सैयारा कमर मौजूद हो तो साइल की शादी जरूर हो, और साइल बीवी की फरमा बरदारी में वक्त गुजारे और साइल नस्वानी ख्वाहिशात का पाबंद हो। अगर जायचे के सातवें घर में सैयारा मरीख या राहु मौजूद हो, या इन दोनों में से कोई एक मौजूद हो, तो साइल की शादी के बाद इसकी बीवी जल्द मर जाए या साइल तलाक देने पर मजबूर हो जाए। अगर जायचे के सातवें घर में केतु मौजूद हो तो साइल की शादी जरूर हो, लेकिन शादी के बाद इसकी बीवी बीमार रहे, मसाने और रहम की बीमारियों में मुबतला हो और औलाद से भी महरूम रहे। अगर जायचे के सातवें घर में सैयारा अतारद मौजूद हो तो साइल की शादी जरूर हो, और साइल की बीवी कफायत शुआर, जहीन और अक्लमंद हो। साइल की औलाद बहुत ज्यादा हो, लेकिन साइल खुद जरियान के मर्ज में मुबतला हो और बीवी को लिकोरिया का मर्ज लाहिक हो। अगर जायचे के सातवें घर में सैयारा मुश्तरी मौजूद हो तो साइल का निकाह नहायत मुबारक हो। शादी के बाद जायदाद से हिस्सा मिले, बीवी इंतहाई खूबसूरत और साहिब इलम हो, लेकिन साइल फिर भी अपनी बीवी से मोहब्बत ना रखे। जायचे के सातवें घर में अगर सैयारा जुहल मौजूद हो तो साइल की शादी जरूर हो, लेकिन साइल को बदसूरत और बद इखलाक बीवी मिले, जो हर वक्त किसी न किसी मर्ज में मुबतला रहे। अब जानते हैं सातवें घर के मालिक सैयारे का दूसरे घरों में समरा। अगर जायचे के सातवें घर में कोई सैयारा भी मौजूद ना हो तो देखें कि जायचे के सातवें घर का हाकम सैयारा किस घर में मौजूद है। मसलन अगर जायचे का सातवां घर बुर्ज मिजान है तो देखें कि बुर्ज मिजान का सैयारा जोहरा किस घर में मौजूद है। सातवें घर का हाकम सैयारा जायचे के खाना अव्वल यानी ताले में आ जाए तो साइल की शादी जरूर हो, लेकिन बीवी इंतहाई कंजूस, लड़ाकी और नाफरमान मिले। सातवें घर का हाकम सैयारा अगर जायचे के दूसरे घर में आ जाए तो साइल की शादी जरूर हो, लेकिन बीवी को हैज बहुत ज्यादा आए, या लिकोरिया की बीमारी हो और औलाद कम हो, या हमल जाया हो जाया करे। सातवें घर का हाकम सैयारा अगर जायचे के तीसरे घर में आ जाए तो साइल की शादी जरूर हो, और दोनों मियां बीवी ऐश पसंद करें और ऐश से जिंदगी गुजारें, लेकिन इसकी बीवी को इसके खानदानी लोग तकलीफ देने पर आमादा रहें। जायचे के सातवें घर का हाकम सैयारा अगर चौथे घर में आ जाए तो साइल की शादी जरूर हो, और दोनों मियां बीवी एक दूसरे के ताबेदार रहें, लेकिन रुपए पैसे की किल्लत हो। अगर जायचे के सातवें घर का हाकम सैयारा पांचवें घर में आ जाए तो पसंद की जगह शादी हो, और बीवी इंतहाई खूबसूरत, कम जुबान और आला नस्बत से हो।
जिससे औलाद बहुत ज्यादा हो। अगर जायचे के सातवें घर का हाकम सैयारा छठे घर में आ जाए तो शादी इत्तफाकिया या झगड़े से हो। साहिल बीवी से बहुत आराम पाए लेकिन साहिल की मौत बीवी से पहले हो। अगर जायचे के सातवें घर का हाकम सैयारा सातवें घर में ही मौजूद हो तो बीवी इंतहाई हसीन मिले जो ताबेदारे करने वाली हो, जिससे औलाद का सुख नसीब हो। अगर जायचे के सातवें घर का हाकम सैयारा आठवें घर में मौजूद हो तो साहिल की शादी जरूर हो, लेकिन निकाह के थोड़े ही अरसा बाद बीवी का इंतकाल हो जाए या बीवी हर वक्त बीमार रहे या तलाक होने के बायस दूसरी शादी करनी पड़े। अगर जायचे के सातवें घर का हाकम सैयारा नवें घर में मौजूद हो तो बीवी इंतहाई फरमाबरदार हो, लेकिन निकाह के बाद साहिल की किसी वजह से कुव्वत मर्दाना में नुक्कस वाक्या हो जाए। अगर जायचे के सातवें घर का हाकम सैयारा दसवें घर में मौजूद हो तो बीवी खुद पसंद सीना जोर ऐश परस्त फजूल खर्च हो, लेकिन इससे औलाद बहुत ज्यादा हो। अगर जायचे के सातवें घर का हाकम सैयारा ग्यारहवें घर में मौजूद हो तो बीवी नरम मिजाज शोहर से बेपना मोहब्बत करे लेकिन इमराज़े रहम की तकलीफ में मुबतला रहे। अगर जायचे के सातवें घर का हाकम सैयारा बारहवें घर में मौजूद हो तो दोनों मियां बीवी फजूल खर्च हों, जो हर वक्त ऐशो इशरत में रुपये का नुकसान करें। इसके अलावा अगर पदाइशी जायचे के पांचवें सातवें या नवें घर में सितारा शम्स और सियारा जोहरा की किरान हो, यानी सितारा शम्स और सियारा जोहरा इकट्ठे मौजूद हों, तो साहिल की शादी के बाद किसी ना किसी वजह से इसकी बीवी की बाई आंख जाया हो जाती है। इसके अलावा अगर जायचे के चौथे घर में सियारा मरीख हो और सातवें घर में राहु मौजूद हो तो तब भी इसकी बीवी जिंदा नहीं रहती। अगर जायचे के सातवें घर में सियारा कमर सियारा जोहल और राहु इकट्ठे मौजूद हों तो साहिल की दो बीवियां हों, एक इंतहाई खूबसूरत सफेद गोरे रंग की और दूसरी बदसूरत स्याह या सांवरे रंग की हो। जायचे के सातवें घर में अगर सियारा जोहरा और सियारा अतारत दोनों मौजूद हों तो साहिल की शादी कम उम्री में हो। अगर जायचे के सातवें घर में सियारा जोहल और सियारा जोहरा दोनों मौजूद हों तो साहिल की दो शादियां हों, जिनमें से एक बीवी बेवा हो और दोनों ही बीवियां घर में बयक वक्त मौजूद रहें। जायचे के सातवें घर का मालक सियारा या सियारा जोहरा बुर्ज हूत में मौजूद हो तो शादी मर्जी के खिलाफ हो। पदाइशी जायचे के सातवें घर में राहु मौजूद हो और सियारा मरीख जायचे के नवें घर में मौजूद हो और सियारा जोहल जायचे के छठे घर में मौजूद हो तो शादी के ठीक आठ साल बाद बीवी मर जाए। इल्मे नजूम से मुतल्लक इंतहाई अहम मालूमात के हसूल के लिए मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। जज़ाकअल्लाह। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा आपकी दुआओं का तलबगार मोहम्मद नदीम कैसर।